तो दोस्तों नमस्कार। हर बिजनेसमैन की एक ही प्रॉब्लम है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी टीम को रेडी करा, उसको ट्रेन करा, लेकिन थोड़े ही दिन के बाद में उसका एक एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है। उसको दोबारा एक एम्प्लॉयर को हायर करना पड़ता है, उसको फिर से ट्रेन करना पड़ता है और फिर उसके साथ सेम वही सिचुएशन होती है। तो ऐसे कौन से आज की डेट में ऐसे रीजन है जिसकी वजह से एम्प्लॉय अपनी जॉब को चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से जिसका बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर एम्प्लॉयज ऐसा करते क्यों हैं और वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने एक एम्प्लॉयर को सस्टेन कर सकते हैं। के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझना पड़ेगा। एक टाइम होता जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ ना, उस वक्त एक आदमी किसी भी अपने एम्प्लॉयर के पास 25-25 साल तक काम करता था, क्योंकि उस टाइम ना जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती थी। चाहे उस वक्त उसका मालिक उसको गाली दे, चाहे डांटे, चाहे उसको निकालने की कोशिश करे, तब भी वो जॉब छोड़ के नहीं जाता था और हाथ जोड़ के जॉब करता था। लेकिन उसके बाद जमाना चेंज हुआ, उसके बाद जमाना आया इंफॉर्मेशन का जमाना। जब इंफॉर्मेशन का जमाना आया तो अलग अलग कंपनीज मार्केट में आई, उन्होंने अलग अलग तरीके के अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट देने शुरू कर दिए। तो वो वक्त एक ऐसा था जब एम्प्लॉयज इजी तरीके से अपनी जॉब को चेंज कर लेते थे, लेकिन तब उनकी जरूरत इतनी होती थी कि उन्होंने अपना एक मकान लेना है और उसकी किस्तों को भरना है। मतलब अगर कंपनी उनको इतनी सैलरी दे रही है कि जिनसे उनकी अपनी जरूरतें पूरी होती रहें, तो वो एक अपनी कंपनी में टिके रहते थे। आज की डेट में जो जमाना बदल गया है, अब है सोशल नेटवर्किंग का जमाना। आज की डेट में हर इंसान सोशली एक दूसरे ज्यादा बहुत ज्यादा कनेक्ट है। आज की डेट में किसी को जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, कंपनी वाले उसको खुद ढूंढ लेते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा एम्प्लॉय है और वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और किसी दूसरी कंपनी को पता लग गया, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्मों के थ्रू उसको अप्रोच करना शुरू करते हैं, चाहे वो LinkedIn हो या दूसरी प्लेटफॉर्म हो, और वो उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं और उनको बहुत अच्छे लुक्रेटिव ऑफर देते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी कंपनी को छोड़ के चला जाता है। क्योंकि आज की डेट में एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। आज की डेट में एम्प्लॉयर को हमेशा ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जहां पर उनको जाके एंजॉयमेंट करने का मौका मिले, जहां पर उनको बोरियत महसूस ना हो, ऑल द टाइम कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज होती रहे जिसमें उनका माइंड एंगेज हो। और इस तरीके की एक्टिविटीज जिस कंपनीज में होती हैं वो वहां के एम्प्लॉयर जल्दी छोड़ के नहीं जाते हैं। इसीलिए गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने वर्क प्लेस को इस तरीके से डिजाइन करती हैं, जहां पर चाहे बैठ सकता है, चाहे खा सकता है, चाहे पी सकता है, चाहे वो जिम कर सकता है। इसलिए आज की डेट में आप बड़ी बड़ी कंपनीज को देखोगे, उन्होंने अपने वर्क प्लेस पर इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज को लगा के रखा हुआ है, जिससे एम्प्लॉयज काम करने के साथ साथ में एंजॉयमेंट भी करता रहे। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि आप हर समय जब एक ही तरीके का काम करते रहोगे तो आप हमेशा बोर हो जाओगे और उसको चेंज करने की कोशिश करोगे। इसलिए अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो और आपके अंडर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो आप हमेशा अपने एम्प्लॉयज के बीच में किसी ना किसी तरीके के कंपटीशन को बना के रखिए। आप कुछ ना कुछ इंसेंटिव रखिए, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रखिए, जिसको अचीव करने के पीछे उसे अलग अलग तरीके की मेहनत करनी पड़े, जिससे उसे किसी भी तरीके की बोरियत नहीं हो। इसके लिए सबसे आप पहले आपको क्या करना है, कंपिटेटिव माहौल क्रिएट करना है। आप जब अपनी कंपनी में कंपिटेटिव माहौल क्रिएट करते हो तो उस कंपिटेटिव माहौल के अंदर ना हमेशा एम्प्लॉय एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आपको कुछ ऐसे रिवार्ड्स पॉइंट रखने हैं जिससे उसको अचीव करके उसको खुशी मिल जाए। आपको हर महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और एम्प्लॉय ऑफ द वीक इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो, जिससे सारे एम्प्लॉय आपस में कंपीट करेंगे और आपकी कंपनी को ग्रो करेंगे, और उस अवार्ड को अचीव करने के बाद में उसको बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा और पूरे मंथ वो एंगेज रहेगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज का मतलब ऑल द टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को आप किसी ना किसी वे में ट्रेन करते रहो। आप हमेशा उनसे काम मत करवाओ, आप उनको कुछ सिखाने भी की कोशिश करो। अगर आप कॉन्टिन्यूसली उनको कुछ सिखाओगे, वो लर्न करेंगे, तो हमेशा उनका एंगेजमेंट आपके काम में बना रहेगा और वो आपकी कंपनी से बोर नहीं होंगे और वो आपकी कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे। और आज की डेट में हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, चाहे वो प्रोफेशनल वे में हो चाहे पर्सनल वे में हो, क्योंकि आज के डेट में लोगों के रिलेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए उनकी लाइफ में ना वर्क बैलेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर उनका वर्किंग बैलेंस अच्छा रहेगा, उनका मेंटल हेल्थ बढ़िया रहेगी, तो वो ऑल द टाइम खुश रहेंगे और खुशी खुशी आपकी कंपनी में लॉन्ग टाइम तक काम करेंगे। आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको हमेशा एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपकी कंपनी का विजन और गोल क्या है। अगर उनको विजन और गोल बिल्कुल क्लियर है तो हमेशा उस विजन और गोल के ऊपर वो आपके साथ में काम करेंगे। मंथ में एक बार या दो बार आपको मीटिंग्स करके अपने सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी का विजन और गोल बताना है। आपको बताना है कि अब तक हमारी क्या अचीवमेंट थी, किस तरीके से हमारी कंपनी बनी, किस तरीके से हमारी कंपनी ने ग्रो करा, या आने वाले 5 साल के बाद में हमारी कंपनी कहाँ पहुँचने वाली है। अगर वो आपकी कंपनी की ग्रोथ देखेगा तो उसके अंदर अपनी भी ग्रोथ नजर आएगी। जब उसे अपने अंदर ग्रोथ नजर आएगी तो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। और आपकी कंपनी में ना बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे, लेकिन उनको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। जो एक आपका एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है ना, आपको हमेशा उसको रिवॉर्ड देना है, हमेशा आपको उसकी तारीफ करनी है, क्योंकि एक इंसान तारीफ का भूखा होता है। उसने बहुत सारी मेहनत करी है, कंपनी के लिए बहुत कुछ करा है, लेकिन उसको 2 शब्द अच्छे नहीं मिलते। अगर उसको 2 शब्द अच्छे मिल जाएँ तो वो कंपनी के लिए ज़िंदगी भर लगा रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए उसकी इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी मेहनत
उसको दिखाना ज्यादा पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी होता है। और इसी के ऑपोजिट कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको हमेशा पैसा चाहिए होता है। तो ऐसे एम्प्लॉयज के लिए आपको हमेशा कुछ इंसेंटिव स्कीम रखनी है। अगर वो कुछ अचीव कर रहे हैं या वो कुछ कर रहे हैं तो आपको उनको अलग अलग तरीके के इंसेंटिव दे के आप उनको रिटेन कर सकते हैं। इसका मतलब पूरे महीने अगर आप अपनी कंपनी चला रहे हो और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हो और अपने एम्प्लॉयज को ध्यान में रखकर उनकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, इंसेंटिव और सब कुछ, तो आपका एम्प्लॉय आपको इजी में छोड़ के नहीं जाएगा और आपकी कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।